हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लार्ज साइज़ का जेंट्स स्वेटर लेके आई हूँ। ये बड़े के लिए, लंबे आदमी जो होंगे उनके लिए, 6 फुट लंबे इंसान के लिए भी ये स्वेटर आराम से आ जाएगी। उनके मेजरमेंट के हिसाब से बनाया है मैंने। तो ये देखिए, ये गंगा की ऊल आती है मोटी वाली, ब्लू कलर की, और उस पर ब्लैक डॉट होते हैं, वो वाली ऊल है ये। और इस ऊल में हमें टोटल 700 ग्राम ऊल लग गए हैं इस स्वेटर में। ये देखिए, इसकी लंबाई इतनी है, लेंथ इतनी है, बाजू की ये ऐसी है, बिल्कुल लंबी अच्छी ये बनी हुई है। और इसमें डिजाइन कोई भी नहीं डाला है, प्लेन सिंपल बनाया है, लेकिन ये ऊल में ही डिजाइन ऐसी है तो ये बहुत सुंदर लगती है। तो आपका इसका मैं स्टेप बाय स्टेप फुल मेजरमेंट बताती हूँ कि ये कितने फंदे और कितने क्या मैंने इसमें डाला है, वो मैं पूरा फुल मेजरमेंट आपको बता रही हूँ। इस स्वेटर के लिए फुल लेंथ और ब्रेथ मैं आपको बताती हूँ। इसमें फंदे हमने 96 फंदे डाले थे मैंने, क्योंकि ये मोटी वाली उल है गंगा की, ऐसी ये देखिए धागे इसके निकले हुए, इतनी मोटी उल आती है ये वाली उल है। और 96 फंदे डाले हैं। 9 नंबर की सिलाई पर मैंने बनाई है, इसे बॉर्डर बनाया है, 9 नंबर की सिलाई पर बॉर्डर बनाई है, एंड 8 नंबर की सिलाई पर मैंने इसका ऊपर का ये बनाया है। बॉर्डर के बाद 2.5 इंची बॉर्डर के बाद, बॉर्डर आप चौड़ी भी रख सकते हो, इससे जेंट्स के स्वेटर में चौड़ी बॉर्डर भी अच्छी लगती है। 2.5 इंची मैंने बॉर्डर बनाने के बाद, मैं 3 और 3.5 इंच भी रख सकते हो आप, 4 इंच तक भी मैं बॉर्डर बनाती हूँ, लेकिन इसमें कम बनाया हुआ है। और इसके बाद इसकी लेंथ हमने करी थी टोटल, ये 20 इंच बनाने के बाद हमने इसकी घटाई शुरू कर दी थी। टोटल ये हमारी लेंथ इसकी 20 इंच हुई थी। 20 इंच के बाद हमने घटाई शुरू कर दी थी। ये देखिए, ये 20 इंच पे आ गई है। और इसके बाद 20 इंच के बाद, उसके बाद ये टोटल हमारी ये 9 इंच बनी थी। 9 इंच 20 इंच बनाने के बाद हमने 5 3 2 1 की घटाई करी है। यहाँ पे मुड्डे की घटाई 5 3 2 1 के बाद, उसके बाद घटाई के बाद ये हमारी 8 इंच लगभग बनी है। ये लंबी स्वेटर है, लंबे लोगों के लिए है, तो इसमें ये लंबाई भी हमने ज़्यादा की है। अगर आप दुबले पतले लोगों के लिए बनाओगे तो ये कम ज़्यादा आप उसी हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको मेजरमेंट सही समझ नहीं आती है तो उनका एक स्वेटर लेके, जिसका भी बना रहे हो, उससे आप माप सकते हो। उसके बाद ये 9 इंच ये थी, उसके बाद ये 4 इंच, 4 इंच बनने के बाद मैंने इसकी घटाई यहाँ से गले की शुरू कर दी। तो गले की घटाई में हमने पहले तो हमने बीच में हमने 16 इंच फंदे घटा दिए, दोनों तरफ आधे आधे करके हमने जितने भी फंदे बचे थे हमारे 96 में से 5 3 2 1, तो 5 3 8 और 2 10 और 11 11 11 22 फंदे हमने घटा दिए, 96 नहीं सॉरी, और ऊपर हमने इसमें 10 फंदे बढ़ाए थे, तो 106 फंदे टोटल थे, 106 फंदे टोटल थे, तो 106 फंदे में से 22 फंदे हमारे घट गए, 106 में से 22 घट गए, तो 6 में से 20 घट गए, तो 86 बचे, और 84 फंदे टोटल हमारे बचे हुए थे, तो 84 फंदे में से हमने 16 फंदे बीच में एक बार घटा दिए। और उसके बाद साइड में दोनों तरफ से 5 3 2 1 एक ऐसे करके घटाई थी, बाकी जो बचे फंदे ये शोल्जर पे हमारे ये रह गए। शोल्जर पे हमने इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी है, ये देखिए शोल्जर पे हमारी इसकी 4.5 इंची चौड़ाई है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा चौड़ाई कम रखना चाहते हो, दुबले पतले लोग हैं तो उनके लिए 3 इंच काफ़ी रहती है, या 3.5 इंच काफ़ी रहती है जेंट्स के लिए भी, तो आप उस हिसाब से मेजरमेंट करके माप के भी आप फंदे डाल सकते हो। तो इसमें हमारे टोटल ये 20 फंदे हैं, यहाँ पे 20 20 40 फंदे इधर हमारे ये रह गए। तो बाकी अगर 22 फंदे हैं इस तरफ में, तो और उसके बाद हमने बाजू बनानी शुरू की, और इतनी के बाद 20 इंच हमारी ये टोटल हमारी 29 इंच लंबाई हो गई इसकी, ऊपर से लेके नीचे तक। और उसके बाद इसकी चौड़ाई हमारी बन रही है 21 इंच,
29 इंच लंबाई और 21 इंच चौड़ाई बन रही है इसकी। और उसके बाद हमने बाजू बनानी है, तो बाजू के लिए हमने 40 फंदे इसमें डाले हैं। 40 फंदे डाल के उसके बाद पहले हमने 4 फंदे बढ़ा दिए, 9 नंबर की सिलाई से फंदे डाले, फिर 8 नंबर पे हमने 4 फंदे बढ़ा दिए पहली सिलाई में। उसके बाद हर छठी सिलाई पे हम बढ़ाते चले गए। और इसकी लंबाई मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जितनी मुड्डी घटाई तक हमारी लंबाई होती है, उससे 1.5 या 2 इंच ज़्यादा बाजू की लंबाई रखें तो बिल्कुल सही मेजरमेंट आती है। और बाजू का यहाँ पे हमने जैसे 40 फंदे रखे हैं, तो नहीं सॉरी 45 फंदे रखे थे हमने, 45 फंदे रखे थे। और हमें जितना भी ये हमने जितना भी फंदे इसके डाले हैं, वहाँ तक लास्ट तक हमारा उतना फंदा हो जाना चाहिए यहाँ ऊपर, तो बिल्कुल सही मेजरमेंट होती है बाजू की। तो उसके लिए हमने अब इसकी लेंथ कितनी रखनी चाहिए हमें, तो इसकी लेंथ हमारी हुई है टोटल 22 इंची। ये देखिए टोटल लेंथ हमारी 22 इंच हुई है, ये देखिए 22 इंच तक हमारी ये टोटल लेंथ इसकी बन रही है। 22 इंच के बाद इसको फिर हमने बाजू की घटाई यहाँ पे कैसे करनी है, यहाँ पे हमने हर छठी सिलाई पे दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ाते चले गए हैं। और उसके बाद हमने बाजू के यहाँ पे भी हमने ऐसे 5 पहले, फिर 3, फिर उसके बाद दो दो फंदे घटाते हुए, ये मेजरमेंट हमारा जो है, जितनी हमारी मेजरमेंट इसकी ये होती है, जैसे इसकी हमारी 8 और ये 9 इंच टोटल थी, तो 9 इंच हमारी थी, तो 9 9 18 इंच हमारी टोटल ये थी, तो इसका भी उतना ही हमारा होना चाहिए। ये देखिए ये वाला जो हमारा लास्ट तक है ना, ये 9 इंच एक तरफ का होना चाहिए, ताकि दोनों तरफ हमारी ये 18 इंच हो जाए। 1 2 इंच ज़्यादा ही रहे तो अच्छी रहती है, क्योंकि बाजू इसमें थोड़ी मेरी कम हो गई थी, तो इस तरफ को उठी हुई है, ये ऐसे उठी हुई रहती है तो इसकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी होती है बाजू की। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी बनाएं। तो अगर हमारी ये 18 इंच हो रही है टोटल, तो हमारी ये हम आधा इंच ज़्यादा 18.5 या 19 इंच कर दें, तो दो दो करके घटा देंगे। उसके बाद देखेंगे जितने पे हमारा ये 9 इंच हो गया एक तरफ का, 9 या 9.5 इंच हो गया, तो उसके बाद हम ये पूरा एक बार बंद कर देंगे इसको, तो ऐसे करके, और फिर इसकी हम ये सिलाई कर देंगे। तो ये स्वेटर आप इस तरीके से मेजरमेंट से पूरे से आप बना सकते हैं, कितने फंदे और कितने ये डालने हैं, कितनी के बाद हमारी घटाई करनी है, और बाजू की भी किस तरीके से ये बनानी है। तो आप भी ये स्वेटर बना के देखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एंड लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करें प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने कुछ आप लोगों के लिए अच्छा बनाया है। थैंक यू सो मच।